सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सब्सक्राइब होता है फ्रेंड्स वो जब आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे ही रेड कलर से लिखा होता है, तो आप लोगों को बस वो एक बार टच करना होता है, उसके बाद वो ब्लैक हो जाता है। और जब आप उसको टच कर देंगे तो उसके जस्ट बगल में छोटी सी एक बेल बनकर आ जाएगी, आप उसको ज़रूर टच करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। जब भी मेरा वीडियो आए तो आप लोगों के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा जो वट सावित्री वाला जो वीडियो था उसको इतना पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। आप लोगों ने उसको इतना देखा, उसको इतना पसंद किया। तो फ्रेंड्स, अभी अब मैं यहाँ पर देखिए नहा धो चुकी हूँ, खड़ी हूँ अभी, क्योंकि बाकी का सारा काम मेरा हो चुका है। ये लोग भी महिमा ये सब बैठे हैं क्योंकि जो पैरट आया है ना हमारे यहाँ, उस वो पूरे दिन हम लोगों के लिए खिलौने की तरह हो गया है। पूरे दिन हम लोग उसी में लगे रहते हैं, इसको क्या खिला दें क्या पिला दें। और वो भी है ना, थोड़ी देर ना बोलो तो गुस्सा बड़ी जल्दी होता है, सभी से गुस्सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं अभी आप जा रही हूँ लंच बनाने, और लंच में मैं आज बनाने जा रही हूँ राजमा की सब्जी, चावल, रोटी, रायता। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि लंच का टाइम भी होने वाला है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितनी जल्दी किचन का काम ख़त्म कर लो उतना ही अच्छा लगता है। तो चलिए आपको भी मैं उसकी रेसिपी दूंगी, तो चलिए चलते हैं किचन में। राजमा बनाने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है और देख लेते हैं राजमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये तीन प्याज, हरी मिर्च 4-5 थी इसमें, कुछ लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल करके मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। यहाँ पे ये मैंने लिए हैं 2 टमाटर, इसको भी मैंने प्यूरी कर लिया है। और ये मैंने मसालों में लिया है सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, सॉरी गरम मसाला है ये, जीरा पाउडर नहीं है, लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब ये मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, ये दगड़ फूल है, कुछ लौंग, काली मिर्च वगैरह है। और ये मैंने ली है थोड़ी सी मलाई, मलाई ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें मलाई नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो तेल देखिए मेरा यहाँ पर गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये खड़े मसाले, तेज़पत्ता और ये मसाले। इसके हो जाने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पर ये प्याज, प्याज को मैं अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर ये आधी चम्मच लिया है, वो मैंने ऐसे ऐड कर दिया है, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी ये मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको मैं इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि मैंने जो राजमा बॉयल किया है उसमें भी मैंने नमक डाला था। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
थोड़ा सा पानी और डालूंगी। मसाले जब तक अच्छे से भून जाएंगे, मसालों को मैं अच्छे से भूनने तक इसका वेट करूंगी, अच्छे से भूनूंगी मसालों को। तो ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से भून गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ये मलाई ऐड कर दूंगी। मलाई पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। मलाई को भी मैं अच्छे से भून लूंगी जब तक ये तेल छोड़ दे। तो ये देखिए मलाई भी अच्छे से इसमें मलाई ने भी अपना घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जो टमाटर पीस के रखा था वो ऐड कर दूंगी। टमाटर को भी मैं तेल छोड़ने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जब तक ये पूरी तरह से तेल नहीं छोड़ देगा मैं इसको तब तक फ्राई करूँगी। मैंने इसको ढक दिया है टमाटर को, और इसको ढक ढक के मैं अच्छे से तेल छोड़ने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए टमाटर मेरा भून चुका है, टमाटर ने तेल भी छोड़ दिया, आप ये देख रहे हैं साइड साइड में एकदम तेल कितना हो रहा है। अब मैं इसमें अपना ये जो मैंने राजमा बॉयल करके रखा हुआ था मैं ये डाल दूंगी। मैं हमेशा राजमा पानी से निकालने के बाद ही डालती हूँ, अच्छे से पानी हटा के। अगर आप चाहें तो जिस पानी में आपने बॉयल किया आप वो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं ऐड करती हूँ, मैं अलग से ऐड करती हूँ। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी एडजस्ट कर दूंगी। आप पानी इसमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना थिक चाहिए या कितना पतला चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी फैमिली को थोड़ा पतला पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और पानी डाल के एडजस्ट करूंगी। तो पानी मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया है, गैस की फ्लेम को मैं तेज़ कर दूंगी और राजमा को अच्छे से बॉयल आने तक पकाऊंगी। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसको धीमा करने के बाद 5 से 7 मिनट तक और पका लूंगी। तो ये देखिए राजमा बॉयल हो रहा है, अब मैं इसको धीमी आंच में अच्छे से पका लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी मेरी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद। और यहाँ पर लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी ये हरा धनिया। अब मैं बाकी का भी लंच तैयार कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड बहुत टेस्टी सब्जी बनी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। रेडी हो चुका है देखिए मेरा यहाँ पर खाना, ये राजमा की सब्जी, रायता, चावल, रोटी, चटनी और ये सैलेड। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं छत में आई हुई हूँ क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही है। गर्म है थोड़ी सी हवा, बट बहुत अच्छी चल रही है। हवा बहुत अच्छी लग रही थी, मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा था। और छत में आने के, ऑब्वियसली आपको पता है मेरी फेवरेट प्लेस छत है। जब भी मन उबे छत में आ जाओ, तो देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं मिट्टू को भी छत में लेके आई हूँ। मिट्टू की का पहले टर्न है, जो मिट्टू घर एक रूम से कहीं बाहर निकले हैं, तो मिट्टू भी है यहाँ पर। मिट्टू से हाय। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है पीछे। आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि देखिए, देख सकते हैं आप लोग बाल कैसे कैसे उड़ रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है फ्रेंड्स। राजमा की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। राजमा के साथ मैंने रोटियां बनाई थी, बट बहुत से लोग राजमा चावल ही केवल बनाते हैं, पर मेरे हस्बैंड को चावल इतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद है बट इतना ज़्यादा वो नहीं खाते हैं, उनको साथ में रोटी ज़रूर चाहिए। तो मैंने रोटी रायता अभी बना लिया था, चटनी तो बना के फ्रिज में रख ही लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको चटनी की रेसिपी भी दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, और वैसे ही बच्चे जैसा रोज़ की बात है, बच्चे यहाँ पर बाहर खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग टहल रहे हैं। बस गर्मी तो है, देखिए पसीना भी आ रहा है, पर अच्छा लगता है। थोड़ा सा देर बाहर आ जाओ ना, छत में आ जाओ, थोड़ा सा खुला खुला लगता है, थोड़ी सी नेचुरल हवा मिलती है, भले ही वो क्यों ना गर्म हवा हो, पर अच्छी लगती है। और देखिए आप, मेरा लिपस्टिक आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था, तो मैं ज़रूर इसका लिंक दे दूँगी आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पूरी किट दिखाऊंगी। ये 12 पीसेस की पूरी लिपस्टिक की किट है, और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छी रेंज पे है। तो बताइए, आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलें, ताकि जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।